धर्म प्रारंभ किया तो धर्म कहने लगे, जैन हुए तो जैन धर्म प्रारंभ हो गया। परंतु सनातन और धर्म, सनातन तो धर्म है, जो सनातन और धर्म एक दूसरे के पर्यायवाची है, जैसे कलश और घट क्यों है, दोनों एक ही चीज़ है तो पर्यायवाची। तो उन्होंने प्रयास किया कि किस प्रकार से हम सनातन को हानि पहुंचाए, तो ये प्रयास किया कि पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ पर उनका आधिपत्य था मुगलों का, उन्होंने जबरन सनातन के लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना प्रारंभ कर दिया। और ये प्रक्रिया उत्तर भारत में ज़्यादा भी, दक्षिण भारत में नहीं उत्तर भारत में ज़्यादा भी। और तब जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज अपने धर्म को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए पहाड़ों की ओर आए और तब यहाँ पर आकर के बसे। उससे पहले तो पहाड़ में केवल देवभूमि केवल देवता लोग विराजमान थे, देवता दाजी विराजमान, और जो बड़े बड़े संत ऋषि हुए, परसों मैंने उदाहरण दिया था कि कालू ऋषि स्थान पर उन्होंने यहाँ पर 5,000 साल पहले उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। ऐसे जो चरक ऋषि थे जिन्होंने चरक संहिता का उसके ऊपर अनुसंधान किए, और आज चरक ऋषि का नाम पूरे विश्व में बड़े आदर से लिया जाता है, उनकी चरक संहिता जो उसके आधार पर अनेकों प्रकार के जो बड़े जो बीमारियां असाध्य रोग हैं, उन असाध्य रोगों को समाप्त करने का भी, उनको क्षीण करने का कार्य हुआ है। तो हम सब लोग आज जो अपना उत्तराखंड का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा जो एक गाइड की जो हमको ट्रेनिंग दी जा रही है, हेरिटेज गाइड के रूप में ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए गाइड का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, जो हमको पथ प्रदर्शन दिया है, और गाइड ऐसा होना चाहिए जो उससे जो पूछने के लिए उसको सही जानकारी दे। उसे पता होना चाहिए कि मैं इस स्थान पर गया तो इस स्थान का इतिहास क्या है, इस इतिहास के स्थान के इतिहास के साथ कौन कौन से तत्व जुड़े हैं, तथ्य जुड़े हैं, उसको जानकारी होनी चाहिए। और जब उसको पूरा घुमाए तो जिसको घुमाता है पर्यटक उसको भी लगना चाहिए कि जो एक गाइड है इसने मुझे बड़ा, जो मेरा पथ प्रदर्शक है इसने मुझे बड़े अच्छे ढंग से बड़े ईमानदारी के साथ मेरे को घुमाया है। तो जब उसको लगता है कि इसने बड़ी मेहनत के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ मुझे किस स्थान का भ्रमण कराया, वहाँ के ऐतिहासिक तत्वों की जानकारी दी, तो फिर आप पे प्रसन्न होता है, कहीं ना कहीं आपको फिर वो दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ देता है। जैसे मैंने बताया कि पहले लोग यहाँ पर जो ऋषि लोग थे, संत लोग थे, वो लोग यहाँ पर तपस्या करने के लिए आते थे। कहते हैं कि 5,000 साल पहले कालू ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, और इतनी घोर तपस्या की थी कि भगवान शंकर को उनको दर्शन देने के लिए आना पड़ा, और कहते हैं कि भगवान शंकर उनको साक्षात यहीं पर दर्शन दिए। ये तो एक किद्वंती नहीं, ये सत्य है। और जब भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए, तो भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए, कहा भी बोलो कालू ऋषि क्या मांगते हो। तो कालू ऋषि ने कहा, महादेव जिसको आपके दर्शन हो जाए उसको जीवन और किसी की अभिलाषा नहीं रहती, भगवान मिल जाए क्या चाहिए। भगवान का सामीप्य, ईश्वर का सामीप्य, अपने स्वामी का सामीप्य यदि मिल जाए तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा भी फ्री मांगो। तो कहते हैं कालू ऋषि ने कहा कि हे महादेव मैं चाहता हूँ कि आप इस स्थान पर अपने अंश के रूप में स्थापित हो जाइए। और जो अंदर शिवलिंग है, कहते हैं इसमें साक्षात भगवान शंकर का अंश है, ऐसे नहीं अंश, मैंने बहुत बार अनुभव किया यहाँ कि वास्तव में मैंने जिसने अपने मन से, जो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी यहाँ पर घटनाएँ घटी है, जिससे मुझे ऐसे ऐसे मेरे को यहाँ पर अनेक अनुभव हुए कि जिससे मुझे लगता है कि वास्तव में भगवान शंकर का यहाँ पर साक्षात वास है, उनकी चिंता करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि देखो आज तक इतना लंबा समय हो गया है, कभी भी कोई कालेश्वर महादेव की कृपा से आज तक कोई भी ऐसी विपदा नहीं आई, कोई ऐसा नहीं समय आया कि कभी इस पूरे क्षेत्र के लोगों को किसी प्राकृतिक आपदा को भोगना पड़ा हो, आज तक का समय नहीं आया कभी। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदा यहाँ पर कभी इस क्षेत्र में नहीं आए। तो मेरा ये मानना है कि भगवान शंकर की, महादेव की, कालेश्वर महादेव की हम पर इतनी असीम अनुकंपा कृपा है, उसके कारण से हम लोग आजकल बचे हैं। और निश्चित रूप से हमारा बड़ा सौभाग्य, मैं तो कहता हूँ कि हम सब लोग देवभूमि में हमारा जन्म हुआ है, तो इससे ज़्यादा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। कभी आप जाइए, एक समय था, कभी आप राजस्थान में चले, इनसे बोलिए कहाँ से आए, बोलते हम देवभूमि से आए, तो लोग हमारे पैर छूते हैं, भले हम कर्म से कितने ही पापी होंगे पर वो हमारे पैर छूते थे। वो कहते थे आपके हमने पैर छू लिए तो हमको लग गया कि हमने साक्षात बद्रीनाथ के केदारनाथ के दर्शन कर लिए। एक बार हम यहाँ से राजस्थान गए जयपुर बारात में, यहाँ की रोड भी उसकी बस जाती है जम्मू की, उनमें लिखा रहता बद्रीनाथ केदारनाथ, तो लोग आए पानी औरतें पानी बाल लेके और उसके टायर धो रहे, टायर धो रहे छोड़ेंगे गाड़ी, मतलब उनका श्रद्धा ना कि मतलब ये जो गाड़ी है बद्रीनाथ केदारनाथ जाती है, श्रद्धा है अपने जो
भैरवगढ़ी के बारे में बता सकते, भैरवगढ़ी के बगल में लंगूर कड़ी थी शंकर, वहाँ करीब थोड़ा उसका ट्रैक थोड़ा हाथ कर उसके बारे में बता सकते हैं, हनुमान जी का नाम मतलब उसको लंगूर कड़ी पता है, हनुमानगढ़ी भी कहते हैं, जो पुराना नाम से लंगूर कड़ी होता है हनुमानगढ़ी के नहीं, तो वहाँ हम लोग बता सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, अभी यहाँ गोरखनाथ जी का मंदिर भी है सामने, वहाँ भी जाओ, वहाँ भी उसको जा सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक प्रयास किया है, अभी हम लोग उस पर कर रहे हैं, उस पर अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग एक मंदिरों को एक सर्किट बना रहे हैं नेशनल से, ताकि टूरिस्ट आए और सुबह चले जाए। हम कहते हैं कि आप सुबह की आरती कालेश्वर महादेव में कीजिए, रावण कीजिए, भगवान का आशीर्वाद दीजिए, और यहाँ से आप जाइए तारकेश्वर, तारकेश्वर के दर्शन कीजिए, तारकेश्वर के बाद आप मधुगंगेश्वर जाइए, मधुगंगेश्वर के दर्शन कीजिए, वहाँ तो नदी भी चाहे तो थोड़ा पानी तो ना ही है, और उसके बाद वहाँ से जैसे दंगलेश्वर के, और दंगलेश्वर के पास तो बहुत बढ़िया, वहाँ तो पानी का बड़ा अच्छा बहुत पानी, वहाँ जाके स्नान कर सकते हो। अब तो सप्तलिंग के बाजू बहुत बड़ी 1 किलोमीटर की झील बन रही है, बहुत बड़ी उसकी टेंडर होगी, तो और फिर वहाँ से अपनी एकेश्वर जाए, एकेश्वर महादेव के दर्शन करें, वहीं से आगे से जाते हुए संतुदार सिंह चौतरे और ज्वालपति जी के दर्शन करें, फिर शाम की आरती के लिए लैंड स्टॉन पहुँच जाए।